हां जी, सत्कार जी सारा नूं। ते लो जी, स्वागत है अज्ज दे अपने एक नवे व्लॉग दे विच। ते व्लॉग वैसे तां थोड़ा जिहा लेट स्टार्ट करने आ मैं, ते उस दे नाल इस तों पिछला जिहड़ा व्लॉग आ ओह वी जित्थों तां मैनूं लगदा लेट हो जूगा, क्योंकि एडिटिंग हजे तक मैं कीती नहीं गी, ते थोड़ा टाइम लग जाणा, कम हजे थले काफी करन वाला। मैनूं इह पहलां ओह नबेड़ना। ते मौसम दा वी सीन कुछ इदां है कि मीह पै के हट गया है, धुप भी ठीक ठाक लगी हुई है। ते मैनूं इह पहलां ट्रैक्टर वाला काम नबेड़ना जिहड़ा थले हैगा पैली च, ते उस तों बाद फिर एडिटिंग वगैरा करांगे, ठीक है। हाँ, मैं एक बारी आया सी सैटअप अपने च, मैं कहा चल नाले व्लॉग स्टार्ट कर लेना वा। ते एक तां जॉन डियर साफ करना चंगी तरां, कल दा सारा दिन ते स्किप नहीं हो गया, नहीं कल सवेरे सवेरे कीती सी इहदी टैसटिंग, ते उदो बाद उवें ही खिलारता, बस साफ ही नहीं कीता ढंग तरह। आ वी वेखो, मशीन भी उवें ही खड़ी हुई है। इहदे विच काफ़ी कमियां ने, ओके, ते इहदे विच जिहड़ियां एक दो कमियां ने उह आपां सॉल्व करनियां। वैसे तां इहदी बाउंडरी वगैरह सैट करनी है, वह मैं देखदा अज दे व्लॉग च, ते मुश्किल है शायद ही कम होवे। इधर मैं स्टार्ट ते कर लिया, मैनूं समझ नहीं आ रही कि इहदे च करना की है, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ ते करांगे, देखदे आं की करना। होलैंड च वैसे तो वेट हैगा, होलैंड च वेट की जरूरत नहीं गी, वेट पाया होया किसी होर ट्रैक्टर च। देखते हैं जो वेट की सैटिंग होगी ना, देखना जो अर्जन च फिट किया, अर्जन च कर देने। उस तो इलावा फ्रंट एक्सल से थोड़ा जहा कम कर लेने आप अर्जन दे, ठीक है। तो नाले सुपर सीडर से भी थोड़ा जहा कम करने डिजाइनिंग वाला, तो कम सारे वैसे तो शाम को ही करा मैं, रात को ही तुम मान के चलो। हुण तां बस एक वारी व्लॉग स्टार्ट कीता मैं, इस तों बाद हुण एडिटिंग करनी है, वह थोड़ा चिर 3-4 घंटे रुक के करदा मैं, तो व्लॉग थोड़ा जिहा लेट हो जूगा, कोई चक्कर नहीं, सार लियो। तो मिलदा तुहानूं मैं एडिटिंग करके हुण सीधा, ठीक है। लो वी मुंडियो, आपां आ गए वापस। कल वाले व्लॉग का जिहड़ा मैं आइडिया लाया सी कि थोड़ा जिहा लेट हो जूगा, तो वह थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया वैसे, ठीक है। तो उनदे विच रीज़न सीगा, मैनूं पता ही सी उस चीज़ का, पर मैनूं इसी भी ज़्यादा नहीं आउंदे भी एक दो नाल सर जूगा की नहीं आउंदे, मैं तुहानूं दस देना। कल वाले ब्लॉग च ना म्यूजिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया होया, ठीक है। तो मैनूं इह सी कि ज़्यादा जिदा क्लेम नहीं आउंदे, एक दो ही गाणिआं ते आउणगे, पर ना काफ़ी गाणिआं ते क्लेम आ गए फिर, तो एक एक करके सारे गाने फिर रिमूव किए ने, इस करके टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। मौके ते हुण टाइम 8 वज गया, 8 मैं लगता ज़्यादा ही हो गया, 8 तो 10 कु मिनट उत्ते ही हो गए ने। तो हुण जाके ब्लॉग पब्लिक किया मैं, ठीक है। तो आह ब्लॉग हुण कंटिन्यू करदे आ, क्योंकि पूरा दिन कुछ तो एडिटिंग च लंघ गया, कुछ थले काम सीगे वो नबेड़दा रहा, ज़्यादा शूट फिर मैं किया नहीं। मैं क्या लास्ट ब्लॉग के अर्जन ही विखाया, तो अज ज़्यादा नहीं शूट करते। तो मौके पर हुण फिलहाल समझ नहीं आ रही कि की किया जाए, इधर खलारा बहुत पाया होया, तो हजे रील भी शूट करनी है, तो निके निके काम बहुत ने। देखते हाँ फिर की सीन है, की प्रोग्राम बनता, कुछ ना कुछ तो करना ही पैना। सब नालों पहला काम तो आप करिए थोड़ा जहा सिस्टम सैट करिए, खलारा बहुत पाया इधर, रील भी शूट करनी है। रील तो चलो चंगा ही है, जिन्हें ट्रैक्टर खड़े रहेंगे वधिया शूट हो जूगी। तो आप पहला काम करिए सफाई वाला ही, मशीन भी कर दें एक पासे, रूटावेटर उत्ते तो की रखना है, क्योंकि आपां नूं चाहिदा है, आपां डिजाइन करना सुपर सीडर, इस करके रूटावेटर कर देने इत्थे आपां। हुण तो नहीं डिजाइन होना, वैसे कल का कंप्यूटर भी बंद ही हुआ, ये भी नहीं ऑन किया। चलो कोई नहीं, जो जरूरत होगी उदों ही ऑन करांगे। हुण तो रिमोट नूं रख दिए उत्ते, वेट एक बार इतों चक के वाह कर दिए इत्थे शिफ्ट, ठीक है। होर निक्का 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 समान बहुत सारा है, आ रूटावेटर इन्हें जो हजे गेयर नहीं कटे, मैं ला लो हिसाब किताब जहा की सिस्टम चलन दिया। चल कोई नहीं, ला दो एक साइड पर हो जा, तेरे तो बाद चो कर दें कम इतना टैक अपने जॉन डियर का है, जॉन डियर का ही है ना, हाँ जॉन डियर का है। ओके जी, रिपोर्ट है। तो आप कम कर लेने अपने जॉन डियर से, लास्ट ब्लॉग च मैं दस्या सी शायद कि आ टायर च दिक्कत है, आ जिहड़ा टायर है ना वह बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इधरले टायर च भी आ देखो बहुत बबलिंग है, आ टायर च भी बबलिंग है, आ टायर च भी बबलिंग है, इधरले च भी पता नहीं की चक्कर है। इनका एक रीज़न तो आ कि आ जिहड़ा इन्दे च व्हील यूज़ किया होया ना मैं, ये व्हील बहुत पतला है, ठीक है, व्हील की जिदा मोटाई घट है, इस करके टायर बबलिंग ज़्यादा करते पैने।
चलो मैं इनू फिक्स करने की कोशिश करदा, जे तो आ फिक्स हो गए ठीक है, नहीं तो इंदते भी आप टायर प्रिंट करने ने जिमें इनू पाए हुए ने आप न्यू होलैंड में। मैं एक बार सारे ट्रैक्टर इन्ना सिंपल जे करने वा मोटे टायर मैं सारे दे ला देने तो अर्जन में तो आ टायर मैं आप ही व्डे पाए ने क्योंकि पिछे इन डबल टायर ने इस करके मैं भी अगे चौड़े टायर होने सोहने लगन गए तो अपना नाट गया रहा भी टायर आप सिंपल करते ने तो 4x4 दे कर भी नहीं सकते। उस तो अलावा होर कि ट्रैक्टर है गया एक अर्जन है अपना, अर्जन वैसे तो करने ने छोटे टायर च भी लुक चैक करनी है कि है तो इन्हें टायर च वेट भी पाना सच इन्हें टायर वेट पेगा हिंदुस्तान के तो पहले ही टायर छोटे ने स्वराज में टायर पाए हुए ने न्यू होलैंड रॉकेट जरा आई टायर सोने ने आई रखा एक बार। उस तो अलावा होर तो कोई ट्रैक्टर है नहीं गा कलैक्शन अपने रिमोट वाला यानी कि दो जोड़ियां अपन प्रिंट करनिया पैनगियां टायरों दियां। चलो वो तो बाद दियां गल्लां मैं कहड़ा हुण प्रिंटर चलाउण लगा, पहला इनू फिक्स करदे आ, उस तो पहला इहदी सफाई करदे आ। हाल की होया पिया देखो इनू साफ करके नाले ते रील बना लैने एक ते नाले टायर फिक्स करने की कोशिश करदे आ ठीक है। लो भी मुंडियो रील एक शूट कर ली आपां, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं सी मेरे कोल इस करके अपना जॉन डियर लंडा करना पिया तीन टायरों ते, बाकी सही चलता ओके दे रिपोर्ट है जमा। इन्हें ना टायर हुण बदलीए आप, काफ़ी टाइम हो गया बेचारा है ना पाटे टायर नाल चलन दिया, मैं बड़ी बारी बुखा चुका वैसे तो टायर इन देखो खड़े हुए पे टायर देखो कद मैं सोचता भी वधिया चलन ही देने एक बार इदा ही यूज़ करते हैं खराब हो लैंदी है चंगी तरह फिर ही चेंज करांगे, एवें गुड्डी घसाण तो पहला चेंज करना की फायदा या तो पूरे टायर घसण, हालांकि घसने तो कदे भी नहीं पर उम्मीद है जेडे हिसाब ना हूँ अगे आप चलाना है ना कि आ टायर ज़्यादा दिन क्ढना नहीं आ जड़ा क्योंकि एक तो आप वेट पा देना वेट मैं देखता वा कि अज ही पा देना वा क्योंकि काम होर तो कोई हूँ होना नहीं गा तो वेट वाला काम नबेड़ लेने आप ठीक है। जॉन डियर च पाने न्यू होलैंड पहला प्लैन सीगा वेट पाउन का पर मैं कैंसल करता, न्यू होलैंड के टायर वेखो ऐ प्रोपर बरोबर के घसे हुए हैं क्योंकि ना काफ़ी टाइम पहला इन टोचन भी करवाते रहे मैं तो गोपी दोवें ना टोचन करवाते इन्होंने ट्रैक्टर ना उदों टायर बहुत वधिया घसे ने उस टाइम दे इन्हों की पकड़ बहुत है तो हाँ सच वेट की गल करना सी आपां तो वेट की मैं सैटिंग इन्हें जी की हुई है देखो पहले मैं वेट पाया होया टायरों के बेच तो नहीं पाया इदा देखो बाहर की साइड वेट पाया होया तो ज़्यादा वेट भी फिर खराब करता क्योंकि इन्हें रिडक्शन सिस्टम तो है नहीं गा तो टायर भी साइज काफ़ी व्डे ने तो फिर डिफरेंशियल टुटन का भी डर है इस करके वेट है तो ज़्यादा नहीं पाते इन्हें तो चलो बिल्कुल ही है नहीं वेट इस करके इन्हें तो वेट पाना ही है आप ठीक है। निकलिया हूँ जा टायर कट दे टायट होया पाया थोड़ी जी जद्दोजहद करनी पई है टायर तो गया जे निकल पर आ की चक्कर है मैनू तो सीगा बैलेंस बनूगा इनका तो यह तो गड़बड़ है ट्रैक्टर का बैलेंस बनाइए पहला तो एक आ कला होर करते हैं वैसे एक गल है इन तो बैलेंस बनाने तो बाद ट्रैक्टर चल नहीं सकता ये एक समस्या है क्योंकि इनका डिफरेंशियल काम कर लग पा इन्हें डिफरेंशियल लॉक तो है नहीं गा तो नहीं तो चला आप दो टायर तो ना स्वाद होना से चलाउन अरे चलना नहीं ये दिक्कत है वैसे चलन चल भी सकता एक जगाड़ लाना पेगा लो भी मुंडियो आ जगाड़ चेक करो मैं इतने एक जगाड़ किया शाफ्ट बनने वास्ते आ देखो हूँ शाफ्ट नहीं घूमती पी ठीक है हूँ तो बस है इतनी नहीं जगह को नहीं थले घुमा के बहने आप सिरा चल रहा है इन बहर कमाने वाला मिट्टी च ना दूजा टायर ला के इन्हें भी एक टायर जो दूजा टायर लाया आप ला देंगे पर ना शाफ्ट इदा ही कनैक्ट रहूगी फिर ना एक टायर तो ऐ घूमता ट्रैक्टर वैसे अपना न्यू होलैंड पहला वीडियो बनाई हुई ने उदो इन ब्रेक होंदिया हूँ तो कटती ब्रेक कामयाब नहीं होया सिस्टम तो हजे अगे कोई प्लैन नहीं गा मौके से दिमाग च ब्रेक वाला क्योंकि रिडक्शन सिस्टम ला के आप ट्रैक्टर बना तो इन्हों के इन्नी जगह है नहीं गी कि आप ब्रेक ला सकी फिर मैं ज़्यादा मत्था मारे ही नहीं हजे ब्रेकों पर
इन फ्यूचर देखांगे जे कोई नवा रिडक्शन सिस्टम आ गया भी कोई नवा आप जुगाड़ ला लिया फिर ब्रेकों का कुछ सोचांगे, मौके पर तो कोई प्लैन नहीं हजे। ठीक है तो आ देखो इतने मैं वेट बैलेंस भी करता सी, वैसे इनका की हो गया इनका वह डिग पाया गुटका वैसे आप गुटका कहने होंने जोड़ा ट्रेटर च लगता होंगे क्योंकि असली ट्रेटर जोड़े होंगे ने उन्होंने भी इदा ही वर्क करता है, जो अगला टायर पेंचर हो जाता है या कि लैके जाना होंगे जिमें बैरिंग बुरुंग टुट गया, अजक तो घर ही चेंज कर ली तो पुराने टाइम है जिमें मिस्त्री को लैके जाना तो उदो फिर एवें खड़ीदा है गुटका ला के बैलेंस करना। हालांकि इन्हें बैलेंस होना नहीं बहुत औखा है पर मेरा सुपना है भी बैलेंस करके ट्रैक्टर चलाना है जिमें मर्जी चलाव। लो भी बैलेंस हो गया, भावें 2 ही सेंटीमीटर चलाव पर 2 टायर के ट्रैक्टर चलाऊंगा। ठीक है स्टेयरिंग मोड़िया तो गड़बड़ हो चुका यार काम गलत है नाइंसाफी है। हो जा सैट कद पिछे डिग पा कद अगे की कर दिया यार छेती छेती चल पी हूँ चल पिया भाई 2 सेंटीमीटर की गल हुई 2 सेंटीमीटर चल गया गल खत्म ए तो ज्यादा नहीं चल सकता है। बहुत पंगे ले लाए ट्रेटर नाल हुण सीरीयस होके इन ते काम करिए छेती छेती वेट पाइए टायरां च ते टायर कर दिए सैट। वैसे तो पहला मैं विखाया ही होया कि टायरां च वेट किदां पाउणा, पहला वेख लिए अपने को वेट हैगा ना प्रोपर टायरां च पाउण लई हैगा सर जूगा अपना वधिया सर जूगा मैं कहना सेम ही है दोवें कौन सेम है फिट हो जाएंगे गल खत्म। चलो फिर मुंडियो छेती छेती आप कर लीए काम है। लो भी मुंडियो अपना जॉन डियर हो गया जे बिल्कुल ओके, टायरों के वेट भी पाता है, फ्रंट वाले टायर जड़े ने वो भी सही हो चुके हैं। ठीक है देखो बिल्कुल ओके दी रिपोर्ट है। तो ट्रैक्टर का वेट वेखदे हुण किन्ना वध गया, हालांकि पहला तो मैं चैक नहीं किया वेट पाउण तो पहला, बाकी चलो आप माइनस कर लाँगे अपन पता ही है कि कौन का वेट किन्ना कु है जिहड़ा इहदे विच पाया। ठीक है तो अजा भी जॉन डियर से इनू रखिए इहदे उत्ते, लो भी इहदा वेट होया जे मौके ते हुण पूरा 1 किलो, यानी कि ट्रैक्टर अपना काफ़ी हल्का है कलैक्शन का ट्रैक्टर। इहदा वेट वेखिए मैं लगता है जॉन डियर तो भी घट रह जाना हॉलैंड, लो भी वो ही गल हुई जॉन डियर नालों भी हल्का है, हालांकि इहदे च भी वेट पाया होया पर फिर भी ट्रैक्टर हल्का है थोड़ा जहा। चलो कोई चक्कर नहीं गा इहदी तो कोई दिक्कत है नहीं इदा दी। हाँ तू आ बई तेरा देखिए, लो ये हॉलैंड नालों भी हल्का निकलिया ये तो 800 ग्राम ही नहीं पूरा होया, इन्दे विच भी वेट की जरूरत है। किलो किलो दे ट्रैक्टर ते करिए कम से कम आप, तू आ जा भी 9-11 का तो वेट होगा मेरे हिसाब से किलो प्लस होगा, लो भी 9-11 है जी 1 किलो का, हालांकि टायर च हजे वेट पैना है 1500 ग्राम तक जाऊगा, 1.5 किलो का ट्रैक्टर कर देंगे आप। तो इनका वेट इन्ना ज़्यादा इस करके होया क्योंकि रिडक्शन सिस्टम का भी वजन काफ़ी है तो इनका वेट वध गया, नहीं तो इनका भी वजन 800 ग्राम ही होना सीगा। बाकी शो का भी देखदा मैं, 2 मन बने पैने कि शो तो हुणे काम करा रुक जाव क्योंकि शो आ कोई खास वधिया नहीं गी, फिटिंग भी है नहीं गी, तो शो है तो लम्मी बनावांगे हुण जिहड़ी बनाई ना कम से कम इत्थों तक आऊगी टंकी इहदी, प्रोपर अड्डो अड पार्ट्स ला के थोड़ा जिहा साइज भी वधावांगे इहदा, मैं कहना सिरा बनावांगे सिरा जिहनूं सिरा कहिंदे आ। ठीक है तो उस तो इलावा दिमाग च ना जस्ट हुण ते नहीं 2 घंटे पहला एक प्लैन आया तो मैं सोचन दिया कि उन्दे ते हुण कम करा वो प्लैन ते, तो करना तो आप सुपर सीडर से भी एक काम पर ना वो प्लैन है जोड़ा वो चीज़ बनाने मैं सोचन दिया वो बहुत ही ईजी है। ठीक है यानी ज़्यादा मत्था उन्दे ते मारना नहीं पऊगा अपन, तो मैं सोचन दिया कि वह कम कर ला मैं, तो चलो देखते हैं अज के दिन च मैं सोचता वा
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਗਾੜ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਿਰਫ ਲਿਫਟ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ। ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਬੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਜਗਾੜ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਤੇ ਹਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਓ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਬਣੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਗਾੜ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਦਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਫਾਈ, ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਲੌਗ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਵਲੌਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟਾਟਾ।